बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक का अपडेट सामने है, जहां 70 से ज्यादा प्रतिशत की वोटिंग हुई है। भारी सुरक्षा के साथ छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हुआ है। बता रहे, कई दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं मोहला मानपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा मोहला मानपुर में वोटिंग हुई है। अंतागढ़ में 66% वोटिंग हो चुकी है। कांकेर में 68% वोटिंग हुई है। वहीं केशकाल में 60% मतदान हुआ है। कोंडा गांव की बात की जाए तो 69% मतदान हो चुका है। वहीं दंतेवाड़ा में 51%, कोटा में 50% मतदान हो चुका है। खैरागढ़ में 64% मतदान हुआ है। वहीं इसके अलावा डोंगरगढ़ की बात की जाए तो 61% मतदान हुआ है। वहीं खुज्जी में 60 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हो चुका है। राजनांदगांव की बात की जाए तो 62% वहां मतदान हुआ है। इसके अलावा चित्रकूट में 56% मतदान हुआ है। पंडरिया में 60% वोटिंग हो चुकी है। कवर्धा में बात की जाए तो अब तक 63.3% मतदान हो चुका है। वहीं बीजापुर में सबसे कम यानी कि 30% ही मतदान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे का अपडेट सामने है, जहां 70% वोटिंग हो चुकी है। भारी सुरक्षा के साथ मतदान संपन्न हुआ। वहीं अब कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। मोहला मानपुर में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अंतागढ़ में 65.66% वोटिंग हो चुकी है। भानु प्रतापपुर में 61% करीब मतदान हुआ है। कांकेर में 68%, वहीं केशकाल में 60% मतदान हुआ है। कोंडा गांव की बात की जाए तो 69% मतदान हुआ है। नारायणपुर में 53% मतदान हुआ है। वहीं दंतेवाड़ा में 51% मतदान हुआ है करीब। इसके अलावा खैरागढ़ की बात करें तो 64% मतदान पूरा हुआ है। डोंगरगढ़ में 61%, वहीं खुज्जी में 67% करीब मतदान पूरा हुआ है। राजनांदगांव की बात की जाए तो 62% मतदान पूरा हो चुका है। आपको बताने की राजनांदगांव की जो सीट है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लड़ रहे हैं, वह 6 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी प्रत्याशी के रूप में वह खड़े हुए हैं।